नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में, जिसको छोटा राजन का खास आदमी कहा जाता था, जिसने राजन के कहने पर दिया कई वारदातों को अंजाम। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं धर्मेंद्र पांडे उर्फ रोहित वर्मा की। रोहित वर्मा का असली नाम था धर्मेंद्र पांडे। वो सांता क्रूज के वकोला एरिया के प्रभात कॉलोनी में रहा करता था। उसका एक बड़ा भाई भी है, उसका नाम है वरेंद्र पांडे। वो एक बिल्डर है। रोहित वर्मा के पिता रेलवे में काम किया करते थे। रोहित वर्मा ने अपनी सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई लोकल एरिया से ही की। बेहद ही अच्छे नंबर से उसने अपनी 12वीं की कक्षा पास की। कहते हैं रोहित वर्मा को बचपन से योगा करने का शौक हुआ करता था। उसने बतौर इसके लिए क्लासेस भी ले रखी थी। रोहित वर्मा हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ फिजिकल फिट भी था। ये वो दौर था जब यंगस्टर अंडरवर्ल्ड की तरफ ज़्यादा जा रहे थे। वहीं रोहित वर्मा अपनी उम्र के कुछ ऐसे युवाओं के टच में आ गया जिनके लिंक कुछ बदमाशों के साथ थे। उन बदमाशों के आगे अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध हुआ करते थे। रोहित वर्मा उनके साथ मिलकर चोरियां करने लगा। एक दिन वो भी आ गया जब चोरी के केस में उसके साथियों के साथ रोहित वर्मा को ओर्थोरोड जेल में भेज दिया गया। जब रोहित के परिवार वालों को इसका पता चला तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। जेल में रोहित वर्मा की मुलाकात छोटा राजन की गैंग के आदमी मदिया से हुई। मदिया छोटा राजन की गैंग में लोगों को जोड़ने का काम किया करता था। बताया जाता है रोहित वर्मा और उसके साथियों की जमानत छोटा राजन गैंग ने करवाई। अब ये वो समय था जब रोहित वर्मा पूरी तरह राजन के टच में आ गया था। राजन को अपनी गैंग को मजबूत करना था। वो दाऊद से अलग हो चुका था। रोहित वर्मा ने कई व्यक्तियों को राजन गैंग में एंटर करवाया। उनको हथियार चलाने की प्रैक्टिस करवाई जाने लगी। जो एक समय अपने साथ चाकू लेकर चला करते थे, अब उन्होंने गन रखनी शुरू कर दी थी। 13 नवंबर 1995 को छोटा राजन के कहने पर ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के ओनर तकियुद्दीन को रोहित वर्मा ने मौत के घाट उतार दिया। जब तकियुद्दीन अपनी कार से अपने एयरलाइन ऑफिस से घर के लिए जा रहा था तो अचानक एक टेम्पू गाड़ी से टकराता है। तभी हथियारबंद लोग वाहन से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही उन्होंने पहले हथौड़े से गाड़ी के शीशे तोड़े और फिर एक के बाद एक कई गोलियां तकियुद्दीन को मारी। गोलियां मारकर रोहित वर्मा समेत अन्य शूटर्स वहां से फरार हो जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही तकियुद्दीन की मौत हो जाती है। कहते हैं हत्या करने के बाद रोहित वर्मा और उसके साथी अलग अलग डायरेक्शन से भाग जाया करते थे। किसी के पास कोई व्हीकल नहीं हुआ करता था। फिर ये सभी पब्लिक बस में ट्रैवल कर अपने ठिकाने पर पहुंच जाया करते थे। ये रोहित वर्मा का प्लान हुआ करता था। छोटा राजन का रोहित वर्मा ट्रस्टेड आदमी बन चुका था। वो राजन के लिए बेहद वफादार था, इसलिए छोटा राजन ने उसको अपनी गैंग का मैनेजर बना दिया था। रोहित वर्मा के पास कई ऐसे मौके आए जब वो अपनी खुद की गैंग बना सकता था। उसके साथ इतने शार्प शूटर जुड़ गए थे, चाहता तो वो अपनी गैंग बना सकता था। बंटी पांडे, बालू डोकरे को भी कहते हैं रोहित वर्मा राजन की गैंग में लेकर आया था। रोहित वर्मा की छोटा राजन के प्रति लॉयल्टी को देख दूसरी गैंग खुश नहीं थी। मुंबई में रोहित वर्मा पर पुलिस का प्रेशर बना हुआ था तो वो बंटी पांडे और फरीद तानाशाह के साथ नेपाल का रुख करता है। वो नेपाल में ही शादी कर लेता है। मगर अभी भी रोहित वर्मा ने क्राइम की दुनिया को नहीं छोड़ा था। वो वहां पर रहकर ही छोटा राजन के ऑर्डर के मुताबिक काम कर रहा था। वो नेपाल से मुंबई फ़ोन कर बड़े बड़े बिल्डर से पैसों की डिमांड किया करता था। बताया तो ये भी जाता है छोटा राजन ने पाकिस्तान में अपने कई आदमियों को दाऊद को ठिकाने लगाने के लिए भेजा था। मगर जब इसका दाऊद को पता चला तो छोटा राजन ने अपने लोगों को पाकिस्तान से जल्दी निकलने को कहा। कहते हैं दाऊद को ये इन्फॉर्मेशन नेपाल के सांसद मिर्जा दिलशाद बेग ने दी थी। रोहित वर्मा, फरीद तानाशाह, बालू डोकरे, बंटी पांडे और विक्की मल्होत्रा ने 29 जून 1998 की रात को 9:30 बजे मार डाला जब वो अपनी दूसरी पत्नी से मिलने जा रहा था। दोस्तों, फरीद तानाशाह, बालू डोकरे, बंटी पांडे और विक्की मल्होत्रा पर बने वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर देखना हो तो आप देख सकते हो। दिलशाद को मारने के बाद ये सभी नेपाल से फरार हो जाते हैं।
कुछ महीनों बाद छोटा राजन की मदद से रोहित वर्मा बैंकॉक सेटल हो जाता है। वो वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। रोहित वर्मा की बैंकॉक में अच्छी चलने लगी थी। उसने वहाँ अपना खुद का बिजनेस सेट कर लिया था। डी कंपनी के लोग जो बैंकॉक में दाऊद के ड्रग्स के धंधों को देख रहे थे, उनका रोहित ने पुलिस द्वारा एनकाउंटर करवा दिया। इसमें डी कंपनी को ड्रग्स के धंधे में काफी नुकसान हुआ। अब डी कंपनी कहाँ चुप बैठने वाली थी। छोटा शकील ने रोहित वर्मा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उनको ये था कि रोहित वर्मा का अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका 4 से 5 हजार करोड़ का ड्रग्स का धंधा हाथ से चला जाएगा। रोहित को मारने के बाद ही छोटा राजन कमजोर पड़ेगा। मीडिया की माने तो छोटा शकील का मेन टारगेट छोटा राजन नहीं बल्कि रोहित वर्मा था। मगर दूसरी तरफ छोटा शकील ने कई बार मीडिया से बात करते समय ये बोला था कि उन्होंने छोटा राजन को मारने के लिए ही बैंकॉक में हमला करवाया था। 14 सितंबर 2000 को रोहित वर्मा के घर छोटा राजन भी मौजूद था। डी कंपनी द्वारा उन पर बैंकॉक में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें रोहित वर्मा को छलनी कर दिया गया और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उस गोलीबारी में छोटा राजन जख्मी हुआ। रोहित वर्मा की पत्नी और उसका 3 से 4 साल का बेटा बाल बाल बच गए। इस वारदात के बाद दोनों गैंग्स में खूनी मंजर और ज्यादा बढ़ गया। छोटा राजन की गैंग ने डी कंपनी के लोगों को चुन चुन कर मारा, तो वहीं डी कंपनी के लोगों ने भी छोटा राजन की गैंग के लोगों को टारगेट किया। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र पांडे उर्फ रोहित वर्मा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। हमारे चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप जो हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार बरकरार रखना। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।